तो रूस तो शुरू करते हैं आज की इंफ्रा न्यूज। पहली खबर जा रही है टेस्ला से रिलेटेड, और आप जानते हो कि इलॉन मस्क ने खुद ट्वीट किया है कि वो जल्द भारत आकर मिलने वाले हमारे प्रधानमंत्री से। और मैंने आपको ये भी खबर दी थी कि मल्टीपल स्टेट्स को चेकआउट करने वाले हैं टेस्ला के एम्प्लॉइज, ये देखने के लिए कि कहां पर वो अच्छे से फैक्ट्री लगा सके। तो दोस्तों सभी स्टेट्स यहाँ पर रेस में, आप जानते हो गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, ये सब स्टेट्स जो है वो सबसे ज्यादा आगे रहेंगे इस रेस के अंदर। अब बाकी स्टेट्स किस तरीके से परफॉर्म करेंगे पता नहीं, लेकिन जो तमिलनाडु स्टेट है इन्होंने कहा है कि वो एग्रेसिवली पिच करेंगे एक मैन्युफैक्चरिंग साइट टेस्ला के लिए। यहाँ पर वो ये भी बताएंगे कि कैसे जो बड़े लेवल की इलेक्ट्रिक मैन्युफैक्चरिंग हो रही है आज स्टेट के अंदर वो उनको अच्छा प्लेटफॉर्म दिला सकता है। एट द सेम टाइम यहाँ पे इनके इंडस्ट्रीज मिनिस्टर है, इन्होंने ये भी कहा कि इंडिया के अंदर जो डेट्रॉइट ऑफ इंडिया जाने वाला चेन्नई है वो भी यही पर मौजूद है। तो अब देखते कैसे होगा। वैसे तो दोस्तों यहाँ पर कॉम्पिटिशन के अंदर पॉलिटिक्स भी बहुत ज्यादा मैटर करेगी। फाइनली देखते टेस्ला कौन सी वाली साइड पे डिसीजन बनाएगी। अगली खबर दोस्तों महाराष्ट्र से, जहाँ पर थर्सडे को सीमलेस लिमिटेड ने अनाउंस किया है कि जो ONGC जो हमारी PSU कंपनी है उनको केसिंग सीमलेस पाइप सप्लाई करने का ऑर्डर उनको मिला है 674 करोड़ रुपीस के वर्थ का। तो ये पाइप्स ONGC जो है वो अपने ऑयल सप्लाई को ट्रांसपोर्ट करने के लिए करेगी, यानी कि जो बड़े प्रोजेक्ट्स है ONGC के वो अभी अच्छे लेवल पर अपना काम कर रहे हैं, ये इनका ही तो इनका कंस्ट्रक्शन हो रहा है। अगली खबर दोस्तों जा रही है पुणे से, जहां पर लुब्रिजोल कॉर्पोरेशन ने अपनी एक नई ग्लोबल फैसिलिटी ओपन की है। ये फैसिलिटी है एम्बेसी टेक जोन हिंजेवाड़ी के अंदर और 42,000 स्क्वायर फीट का ये वर्क स्पेस है। यहाँ पर वो अपना सप्लाई चेन, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, फाइनेंस, प्रोक्योरमेंट, लीगल और HR डिपार्टमेंट्स देखेंगे। यहाँ पर वो 200 रीजनल एम्प्लॉइज को हायर करेंगे और बाकी भी कई सारे यहाँ पे एम्प्लॉइज को वो हायर करेंगे, जिसकी वजह से जॉब क्रिएशन होगी। अगली खबर दोस्तों ब्रिजस्टोन से, जो एक टायर मैन्युफैक्चरर है, और इन्होंने कहा है कि वो इंडिया को एज द फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट देखते हैं उनके पूरे के पूरे पोर्टफोलियो के अंदर। और जो रेवेन्यू एक्सपेक्टेशन है ग्रोथ की वो है 25% 2026 तक की। यहाँ पर ऑटो प्रोफेशनल से बात करते इन्होंने कहा है जो वॉल्यूम इंडिया की होगी वो 10 मिलियन टायर्स होगी इनके हिसाब से 2026 तक। और यहाँ पर कार रेडियल रिप्लेसमेंट टायर सेगमेंट जो है वो भी सब्सटेंशियली ग्रो होगा, ऐसे उन्होंने कहा है। वैसे 2030 तक 50% ग्रोथ को एक्सपेक्ट करते हैं, यानी अभी जितना मार्केट है उसका आधा मार्केट वापस एक नए प्रोपोर्शन में बन के आएगा, ऐसा इनका कहना है। तो ब्रिजस्टोन भी इसी के हिसाब से इन्वेस्टमेंट्स भारत में कर रही है। अगली खबर तो सॉरी गोदरेज इंटीरियो से, जहां पर ये कंपनी आप जानते हो फर्नीचर एंड इंटीरियर सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है, और इन्होंने कहा है कि वो 2024-25 के साल में देश के वेस्टर्न मार्केट में 60 नए स्टोर्स ओपन करेंगे। वैसे दोस्तों फिलहाल 15 इनके खुद के शोरूम से, 70 चैनल पार्टनर्स है, 110 रिटेल स्टोर्स है अक्रॉस महाराष्ट्र, और अब इनका एम यह है कि 25 शोरूम, 100 चैनल पार्टनर्स और एक्सटेंशन नेटवर्क ऑफ 200 स्टोर्स तक ही एक्सपांड करेंगे और 400 करोड़ का रेवेन्यू टारगेट कर रहे हैं। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है रिंग रोड से, जो है रांची के लिए बन रहा, और इसकी जो फेजेस है वो अब कंप्लीट हो गया है। तो 3 फेजेस से सर्वे के जिनको कंप्लीट कर लिया गया है। टोटल रिंग रोड रांची का होगा 194 किलोमीटर का, जो NH 33 से स्टार्ट होकर नेशनल हाईवे 75 तक अलग अलग सेक्शंस के थ्रू पहुंचेगा, और ये रिंग बनते बनते जो है NH 23, NH 33 इनको भी कनेक्ट करेगा। तो रांची के ट्रैफिक समस्या के लिए और एक सीमलेस कनेक्टिविटी जो लोग रांची को बायपास करना चाहती है उनके लिए रिंग रोड बनेगा। आज के एसपीटी सवाल के बारे में बात करें तो सौम्यजीत पूछता है, इन इंडिया बिल्डिंग मोनोरेल इज चीपर देन LRT एज मुंबई मोनोरेल कॉस्टेड अराउंड 3,000 किलोमीटर फॉर 20 किलोमीटर एंड प्लान्ड LRT फॉर गोरखपुर कॉस्ट अराउंड 4,672 करोड़ फॉर 28 किलोमीटर, व्हाई डोंट वी इन्वेस्ट इन मोनोरेल रादर देन LRT। तो देखो पहली बात तो ये है कि मुंबई मोनोरेल का जो कंस्ट्रक्शन है वो तकरीबन 20 साल पहले शुरू हुआ था और 10 साल पहले जो है मोनोरेल ओपन हो गई थी। तो उस जमाने के 3,000 करोड़ अभी के 4,500 करोड़ से कंपेयर करना पहली बात तो सही नहीं बनता। एट द सेम टाइम अगर मुंबई मोनोरेल प्रोजेक्ट को भी हम देखें तो जो इसका रूट है और जो नंबर ऑफ रेक्स वगैरह इसके लिए मंगाई गई थी वो पैथेटिक थी, मतलब लिटरली फ्रीक्वेंसी जो है वो इतनी कम थी कि लोगों को यहाँ पे एक एक घंटे तक कभी कभी इंतजार करना पड़ता था। और कई इशूज भी यहाँ पर आए, क्वालिटी वाले आए, बेसिकली ग्राउंड लेवल की प्लानिंग भी इस मोनोरेल की अच्छी नहीं थी, जो कॉस्ट में तो रिफ्लेक्ट हुआ कि सस्ता बन गया उस जमाने के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, लेकिन फिर वो अभी रिफ्लेक्टिव नहीं रहेगा। गोरखपुर की डेंसिटी वगैरह हम देखें तो जो नंबर ऑफ रेक्स लगेंगे, जो फ्रीक्वेंसी रखनी पड़ेगी एक LRT सिस्टम के हिसाब से वो ज्यादा होगी। पैसे जो है वो LRT के अंदर जो है अगर ज्यादा लग भी रहे हैं तो भी उसका यूज केस अलग है। जमीन जो है वो LRT ज्यादा लेगी कम्पेयर टू मोनोरेल, क्योंकि मोनोरेल तो एलिवेटेड होती है, LRT ज्यादातर रूट पे जो है ऑन रोड सर्फेस चलेगी और कहीं कहीं पर जो है न्यू लैंड एक्विजिशन भी करना पड़ेगा। तो अकॉर्डिंगली जो है LRT का कॉस्ट निकल कर आता है। हम ऐसे डायरेक्टली किसी भी दो प्रोजेक्ट को उठाकर कॉस्ट कंपेरिजन नहीं कर सकते। एट द सेम टाइम यार दो प्रोजेक्ट एक ही पर्पस को सर्व करेंगे ऐसा जरूरी नहीं है। वैसे तो फिर अगर कहना जाए तो हम बोल सकते हैं कि इससे सस्ता तो ये है कि बहुत सारी बसेस चला दो, उससे सस्ता बोलना तो ये होगा कि बहुत सारे साइकिलें बांट दो। तो ऐसे नहीं होता है, हर प्रोजेक्ट का अपना एक पर्पस होता है, अपना एक गोल होता है, फ्यूचर प्लानिंग के हिसाब से चीजें होती है, उस रीजन के हिसाब से फिजिबिलिटीज की जाती है, पास्ट को देखा जाता है। मोनोरेल क्यों दूसरे शहरों में नहीं बनती है इसके ऊपर एक वीडियो ऑलरेडी अपने चैनल पे है जहां पर मैं कई रीजन एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ये दूसरे शहरों के अंदर प्लान होने के बावजूद इंप्लीमेंट क्यों नहीं हुई, ये चीजों को भी ध्यान में रखना पड़ता है, कई ऐसे रीजन है। उम्मीद करता हूँ आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपके
आपके पास कोई सवाल है आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर पूछ सकते हो। बाकी आपके पास कोई न्यूज है तो उसके लिए आपको सबमिशन लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलेंगे अगले वीडियो में।